टैकरिंग समझते हैं, अशांत दशमलव, वैसा दशमलव जो कभी शांत ना हो उसको कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, लेकिन 10 से 3 में भाग देंगे तो 3.33333 बढ़ता चलाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, यानी कि रैकरिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, आइए। अच्छा, सबसे पहले रैकरिंग का मतलब ध्यान देना, रीअकरिंग, री का मतलब पुनः, अकर का मतलब आना, अकरेंस, कोई घटना बार बार घटती है ना तो उसी को कहते हैं रैकरिंग। रीअकरिंग, री मतलब पुनः, अकर का मतलब होना, जो बार बार घटता है ना, जो बार बार होता है उसी को कहते हैं रैकरिंग, है ना। अब बताओ 0.3 पे रैकरिंग, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक डेट पे रैकरिंग है तो सबसे पहले लिखेंगे 3, जितने डेट पे रैकरिंग होगा उतना 9 होगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, बोलिए सर कितने डेट पे रैकरिंग है, 3 डेट पे, तो क्या होगा 543/999, क्लियर। बोलो कितने डेट पे रैकरिंग है, तो 45/, और कितने डेट पे रैकरिंग है, 4, तो 4327/9999, क्लियर। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, इसका मतलब 3 पे रैकरिंग का मतलब हो गया 3333333 बार बार आया, 4/5 पे रैकरिंग का मतलब 4545 रिपीट कर रहा है ना, 543 543 543 बार बार रिपीट कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं रैकरिंग। तो जितने डेट पे रैकरिंग हो उतना 9 होगा, एक डेट पे रैकरिंग 1 × 9, 2 डेट पे रैकरिंग 2 × 9, 3 डेट पे रैकरिंग 3 × 9, 4 डेट पे रैकरिंग 4 × 9, क्लियर। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना, क्लियर। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट करना। रीअकरिंग, री का मतलब पुनः, आकर का मतलब होना। चले हो गया, जितने डेट पे रैकरिंग हो उतना 9 आएगा, 4 डेट पे रैकरिंग हो 4 × 9, 3 डेट पे रैकरिंग हो 3 × 9, है ना। चले आगे, रैकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, रीअकरिंग, री का मतलब पुनः, अकड़ का मतलब आना होना। चले चल, अब देखो अगर ऐसा पूछ दे एक माँ बाप की दो संतान, एगो लायक एगो नलायक, एक माँ बाप की दो संतान एगो लायक एगो नलायक, लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है, लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है और नलायक के सिर पे नहीं है, लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है, नलायक के सिर पे नहीं। ध्यान दीजिए इसका मतलब समझते हो, 7 का रिपीटेशन है, 7 का क्या है मतलब 7 7 7 7 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या रिपीट कर रहा है भाई, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, समझ गया बात, इसका मतलब कौन रिपीट कर रहा है, 2 3 2 3 2 3, क्लियर। देखो इसमें दो तरह की बात है, एगो लायक एगो नलायक, लायक के सिर पे माँ बाप का हाथ है, नलायक के सिर पे 57, नलायक लायक को 9 रुपया दीजिए और नलायक को 0 रुपया, कितना होगा भाई 52/90, क्लियर ना। बोलिए इसमें लायक कौन है, 2, नलायक कौन है 3 4, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 4 2, नलायक को घर से बाहर निकालो, लायक को कै रुपया 9 और नलायक को लड्डू, क्लियर। बोल भाई 4 2 3, नलायक कौन है 4, नलायक को घर से बाहर निकालिए, लायक को कै कै रुपया देना है, 9 9 रुपया, जो जो लायक है उसको कितना कितना देना है 9 9, और जो नालायक है उसको क्या करना है 0, घटा लेंगे 419/990। बोलिए सर बन पाएगा क्या, रिपीटेशन किसका है बताओ, 7 का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4327,
माइनस नालायक कौन है बताओ, 4 3 2, लायक के कै रुपया, 9 रुपया, नालायक के 0 0 0। क्लियर। सबसे पहले 4 3 2 7 लिख दिए, जो नालायक था उसको घर से बाहर निकाल दिए, 4 3 2 को बाहर निकाल दिए, जो लायक था, लायक कौन था, 7, लायक को 9 रुपया और नालायक को लड्डू लड्डू लड्डू। क्लियर। जो नालायक है उसको घर से क्या निकाल देना है, बाहर। ऐसा समझ में चले, नालायक वाले को भगाना है, लायक को 9 रुपये, नालायक को 0 0 0। क्लियर ना। हो गया भाई, हो गया। बाकी घटाने का काम तो तुम लोग कर ही लेगा, नहीं चले। बोलिए सर क्या ख्याल है, बनेगा बताओ, बनाओ जल्दी। क्या लिखेंगे, 3 4 2 7, नालायक कौन, 3 4, लायक को कह के रुपया, 9 9 रुपया और नालायक को 0 0। क्लियर। इसमें देखिए 3 4 2 3, नालायक कौन है भाई, 3, लायक को कह के रुपया, 9 9 रुपया और नालायक को 0। बोल भाई, इसमें 3 रुपया अलग करेंगे और खुदरा खुदरी अलग करेंगे, 3 रुपया अलग करेंगे और खुदरा खुदरी अलग करेंगे, तो 3 रुपया कन्फर्म है, प्लस 4 एगो रेकरिंग मतलब एगो 9, यानी 3 पूर्णांक 4/9। फ्रैक्शन तोड़ना है तो तोड़ लीजिएगा, है ना। बोल भाई, 3 रुपया अलग करेंगे और खुदरा खुदरी अलग करेंगे, 3 रुपया, इसको कैसे बनाओगे, 23, नालायक को कहा क्या निकाल देना है, बाहर, नालायक को क्या निकाल देना है, बाहर, लायक को कै रुपया, 9 रुपया, नालायक को 0, 3 + 21/90, 3 पूर्णांक 7/30। क्लियर। 3 पूर्णांक 7/30, नालायक को घर से बाहर निकाला है, नालायक को 9 रुपये, नालायक को 0 0। क्लियर ना। हो गया, क्या दें, चले समझ गया ना, 3 रुपया अलग, खुदरा खुदरी अलग। हो गया, चलो बताओ इसको बनाओगे, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन बनाइए, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ। बन गया, बनाया और कैलकुलेट करो, 1.33।
देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, एक थ्री बटा एक नौ, एक फोर बटा एक नौ, एक पाँच बटा एक नौ, कितना हो जाते भाई 12/9, काटेंगे तो 4/3, एक पूर्णांक 1/3, 1.3333 यानी 1.3 पे क्या चला गया रेकनिंग, क्लियर। अब इसको अच्छे से कैसे बनाएंगे, 0.3 रिपीट कौन कर रहा है, 3 रिपीट करवा दीजिए, 0.4 रिपीट कौन कर रहा है, 4, 0.5 रिपीट कौन कर रहा है, 5, 4 3 7 5 12, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13 और 1, लास्ट डेट काट देना है 1.3 पे क्या चला गया रेकरिंग। देखिए इस तरीका तो आप लोग जनवे करते हैं, यहाँ समझिएगा कि रिपीटेशन किसका है, 3 का, तो जो रिपीट कर रहा है उसको रिपीट करवा दीजिए, जय बार करने का मन है, 5 बार 6 बार लिख दीजिए, 0.4 0.5 4 3 7 5 12 12 1 13 12 1 13 12 1 13 12 1 13 लास्ट में 1, लास्ट डेट काट देना है 1.3 पे क्या चला गया रेकरिंग, तो जो रिपीट करे ना उसी को रिपीट करवा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे बनाइए, जो डिजिट रिपीट करे उसको क्या कर देना है, रिपीट करवा देना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, नहीं चले हो गया ना भाई, चल बोलिए सर इसके बारे में क्या ख्याल है, बनेगा क्या, एक बार सोच के देखो कैसे बनेगा, क्या करना है, रिपीट करवाना है किसको, देख लो 0.2 रिपीटेशन किसका है छोटू, 3 का, 0.4 रिपीटेशन किसका है, 2 का, 0.3 रिपीटेशन किसका है, 7 का, आइडिया मिला, 7 3 10 2 12, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, 4 3 7 2 9 1 10 और 1, लास्ट डेट काट देना है 1.03 पे क्या चला गया रेकरिंग, नहीं 0.2 जो रिपीट कर रहा है उसको रिपीट करवा दिए, 0.4 जो रिपीट कर रहा है करवा दिए, 0.3 जो रिपीट कर रहा है करवा दिए, कैलकुलेट किए 1.03 पे क्या चला गया रेकरिंग, 1.03 पे क्या चला गया रेकरिंग, है ना, जो रिपीट करे उसको रिपीट करवा देना है, जो रिपीट करे उसको रिपीट करवा देना है, क्लियर। चलें बोलिएगा सर, क्लियर है ना, चलो बहुत अच्छा, चलें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, बने या क्या, ये FCI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बोल भाई 1.12 पे दो गो पॉइंट है, ये रेकरिंग को डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है, तो वो 1 रुपया अलग कीजिए, खुदरा खुदरी अलग कीजिए, तो 1.12/99 पूर्णांक तोड़ने आता है क्या, कैसे तोड़ते हो, 99 × 1 + 12/99 कितना हो जाएगा बताओ, 9 2 11 9 1 10 1 11 / 99, बोल भाई अंश प्लस हर निकालना है, अंश प्लस हर कितना हो जाते भाई 210, क्लियर।
वन प्लस एक रुपये अलग, खुदरा खुदरी अलग, 12/99 पूर्णांक तोड़ने आता है आप लोग को, 99 × 1 + 12 नहीं करते हैं, ये इंटू ये प्लस ये भाई ये, तो कैलकुलेट किए 111/99। अंश और हर का जोड़ पूछ रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, तो डायरेक्ट दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। आए कटेगा तो यू नहीं काटना है भाई, काट दीजिएगा तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम, डायरेक्ट जोड़ देना। अगर कटेगा तो यू नहीं काटना, कटेगा तो यू नहीं काटना। क्लियर, 4/8 क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन 1/2 क्या है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। 4/8 क्या है, केवल फ्रैक्शन है, लेकिन काट के छोटा कर दिए, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बदल गया। क्लियर, परिमेय संख्या पता है किसी कहते हैं, कोई भी बताएंगे परिमेय संख्या, बोल। हाँ खड़ा है? हो बस गलत है, और बोलो, और बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे, सब मिला के सही है। पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू जीरो ना हो, पी क्यू इंटीजर हो, और पी और क्यू का कॉमन फैक्टर वन हो, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हो। पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू जीरो ना हो, पी क्यू इंटीजर हो, और पी और क्यू का कॉमन फैक्टर वन हो। इंटीजर समझ गया ना, पूर्णांक। क्लियर, चलो बोलिए सर। अगला है सर्ट्स एंड डिटिस टाइप 10, 10वां नंबर, ठीक है, पैटर्न 10, सर्ट्स एंड डिटिस। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, भाग में पावर, पावर का पावर गुना होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। पावर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर दोनों का पावर दिया रहे तो अलग अलग पावर कर सकते हैं, ये सब छोटा छोटा बात है, ये सब पता होगा। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। पता है क्या ये सब बात की, समझ गया, जैसे 3 का पावर 4 और 3 का पावर 7 तो क्या हो जाएगा, समझ गया बात, 3 का पावर 6 / 3 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा, घटेगा, या मान लिया 2 तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 यानी 3 का पावर 4, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, 3 का पावर 7 / 2 तो पावर का पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, समझ गया बात। 3 का पावर निगेटिव में रहे तो नीचे में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 3 × 5 / 2 है, इसका मतलब 3 का भी पावर 2 और 5 का भी पावर 2, इसे छोटा छोटा बात है आप लोगों को पता है, ठीक है, इसको फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, चलिए ये फॉर्मूला है सर। गुना में पावर क्या होता है, ऐड होता है, भाग में पावर क्या होता है, माइनस होता है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, पावर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। यहाँ m रूट में रहेगा तो यहाँ 1/m हो जाएगा, यहाँ m यह 1/ हो जाएगा तो n बटा में जाएगा, समझ रहे बात। यहाँ क्या है, बटा में m है तो इसका ही पावर m, इसका ही पावर n, गुना में है तो इसका ही पावर m, इसका ही पावर m। तो गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, पावर का पावर गुना होता है। गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, पावर का पावर गुना होता है। पावर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। चलिए इसे छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये लोग सबको पता होगा इस बात का, नहीं
में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, पावर का पावर गुना होता है, पावर नेगेटिव हो तो नीचे में जाके पॉजिटिव हो जाता है, और किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, वन। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है जो सबको पता है, नॉर्मल पता भी होना चाहिए, ये सब स्कूल में खूब पढ़ा था सातवां में। नहीं चले, हो गया। मिटा दें। अच्छा बताओ ये बना पाओगे क्या, सोचो थोड़ा सा। यहाँ वाला जो चार है वो कहाँ जाएगा बताओ बटा में, सो क्या लिख सकते बताओ, 16 का पावर n प्लस वन, ये जो चार है ना भाई कहाँ चल जाएगा बटा में, 16 का पावर, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो दो है, इसको क्या लिख सकते दो बटा दो, समझ गए क्या किए, सबसे पहले 16 लिखे, यहाँ वाला जो चार था कहाँ जाएगा बटा में, यहाँ वाला जो दो था वो क्या जाएगा बटा में, बोल भाई, एकरा से ही तो कट गया, बेस सेम तो पावर भी सेम, समघातता का नियम, घातता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेस सेम तो पावर भी सेम, यानी एन प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन, एन प्लस वन का वैल्यू फोर, एन का वैल्यू फोर माइनस वन, एन का वैल्यू थ्री, यहाँ जो चार है वो कहाँ जाएगा बटा में, यहाँ जो दो है वो भी बटना में जाएगा, खत्म हो गया, बेस सेम तो पावर सेम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नियम, तो बोल भाई एन प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन, बटा में है, एन जाके सटेगा, एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा फोर, और प्लस वन उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस वन, तो चार में से एक गया तीन, क्लियर। यहाँ वाला जो था वो बटा में गया, यहाँ वाला टू जो था यहाँ कुछ नहीं था तो टू तो था ही बटा में गया, बेस सेम पावर सेम, समघातता का नियम, एन प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन, एन प्लस वन बाई फोर वन इज इक्वल टू फोर, एन का वैल्यू फोर माइनस वन यानी थ्री, क्लियर ना। हो गया क्या, चले बोलिए सर, इसको बना पाइएगा, बनाओ जल्दी, एकदम बबुआ वाला है, बनाओ, बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा, इसको क्या लिख सकते, टू का पावर एन माइनस टू बराबर टू का पावर सेवन, कैसे आया टू का पावर सेवन पता चला, 128 को ब्रेक कीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो टू से कितनी बार में 64, टू से कितनी बार में 32, टू से कितनी बार में 16, टू से कितनी बार में 8, टू से कितनी बार में फोर, टू से कितनी बार में टू, कितने टर्म आ गए, सात टर्म हो गए, तो बेस सेम तो पावर भी, तो एन माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, तो एन का वैल्यू सेवन प्लस टू बराबर, चलिए नहीं एकदम बगुआ वाला क्वेश्चन था, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो एन माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, तो एन का वैल्यू क्या नाइन है ना, समझ गया भाई, चले
चलो बोलो, इसको बना पाओगे क्या? सोचिए थोड़ा सा। एकदम बनेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है छोटू? थ्री का पावर क्या हो जाएगा? एन बाय आई, नौ का मतलब क्या होता है? थ्री का स्क्वायर, और इसका मतलब थ्री का पावर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो टू लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय, क्या किए पता चला? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो टू है, तो थ्री का पावर एन बाय टू, और नौ का मतलब क्या होता है? थ्री का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है तो टू है, तो थ्री का पावर वन बाय टू। बोल भाई, गुना में पावरवा का हो जाता है? जुटता है ना, तो क्या हो जाएगा? थ्री का पावर एन बाई टू बराबर थ्री का पावर फाइव बाई टू। कैसे आया पता चला? एलसीएम लेके, दो दूना चार एक पाँच बटा चार, बेस सेम तो पावर सेम, यानी एन बाई टू, एन बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाय टू, तो एन का वैल्यू क्या निकल गया? फाइव। थ्री का पावर कुछ नहीं था तो टू था ही, तो टू टू यहाँ वाला कहाँ चला गया? बटा में। थ्री का स्क्वायर और यहाँ टू बटा में चला गया। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। दो दूना चार एक पाँच बटा दो, अब एलसीएम ले लिए, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो एन का वैल्यू क्या हो गया? फाइव। एन का वैल्यू क्या हो गया? फाइव। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नहीं। चले हो गया क्या? चले देखिए सर, इसके बारे में क्या ख्याल है? बनेगा बताओ, सोचो एक बार। देखो b बाई ए का पावर क्या है बताओ? 2n माइनस, तो ये बेस है तो इसका भी से ही होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या लिखना होगा? b बाई ए, और यहाँ जो है जब ये उल्टे ये भी उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस n। क्या किए पता चला? b बाई ए का पावर 2n माइनस थ्री, जैसे ही इसको उल्टेंगे यानी b बाई ए करेंगे, इस बेस में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर पावर भी चेंज हो जाएगा, यानी एन नाइन माइनस एन हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन माइनस एन, तो टू एन प्लस एन इज इक्वल टू नाइन प्लस थ्री, तो थ्री एन बराबर बारह भाई, तो एन का वैल्यू कितना निकल गए? चार। नहीं देखो, ये जस का तस छोड़ दिए, एकरा जैसे ही उल्टेंगे तो इसका साइन उलट जाएगा। गड़बड़ा गया क्या? अच्छा, थ्री एन तो एन का, हाँ ठीक है, काटे में गलत, समझ गया बात। इसको जैसे ही उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो क्या होगा? थ्री टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन माइनस एन, तो थ्री एन बराबर ट्वेल्व, तो एन का वैल्यू कितना? फोर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम तो पावर भी सेम। क्लियर? हो गया। चले क्लियर, मिटा दे। बोल भाई, अगला बनेगा बताओ। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है? सी का पावर जेड बराबर क्या दिया हुआ है? ना है, और सी का वैल्यू यहां से पुट करो। सी बराबर क्या है? बी का पावर, सी का वैल्यू पुट कर दिया यहां से,
सी का वैल्यू यहाँ से बी का पावर वाई पुट कर दिए। बोल भाई बी का पावर क्या हो गया वाई जेड बराबर, भाई बी का वैल्यू कहाँ जैसे लाएंगे जैसे, तो बी के जगह रख सकते क्या ए का पावर एक्स, बस 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 ए का पावर एक्स वाई जेड कुछ नहीं है तो पावर क्या है वन, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। फिर से बताएं, सबसे पहले लास्ट वाला इक्वेशन उतार दिए, सी का पावर जेड का वैल्यू क्या है ए, सी का पावर जेड का वैल्यू क्या है ए, सी का वैल्यू कहाँ से पुट कर लिए बी, सी का वैल्यू बी का पावर वाई रख लिए तो पावर का पावर गुना हो जाता है। अब बी का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए ना ए का पावर एक्स रख दिए, पावर सब गुना हो गया तो बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम तो पावर भी सेम। हो गया भाई बेस सेम तो पावर भी सेम। चले हो गया बोलिए सर इसके बारे में क्या ख्याल है बनेगा, बनाइए तो जैसा खुद से बनाओ। थ्री एम का पावर भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है एन माइनस सिक्स माइनस माइनस फोर, थ्री एम माइनस टू प्लस फोर एन माइनस सिक्स प्लस फोर, थ्री एम का पावर टू एन का पावर माइनस टू भाग बटा में चला जाएगा एम का पावर टू बटा एन का पावर टू, भाग में पावर क्या होता है घटता है माइनस टू माइनस माइनस फोर, माइनस टू माइनस माइनस फोर, माइनस टू प्लस फोर यानी थ्री का पावर टू, माइनस सिक्स प्लस फोर यानी माइनस टू, भाग में पावर क्या होता है घटता है तो ये थ्री है एम का पावर टू बटा एन का पावर टू, थ्री भाग में पावर क्या होता है घटता है माइनस टू माइनस माइनस फोर, माइनस टू प्लस फोर थ्री का पावर टू, माइनस सिक्स प्लस फोर यानी माइनस टू, और पावर निगेटिव हो, पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है पॉजिटिव, पावर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है पॉजिटिव, क्लियर, पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या हो जाता है पॉजिटिव। चले मिटा दे क्या, बोलिए सर बने या क्या, कोशिश कीजिए। नाइन को लिख सकते क्या थ्री का स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 4x माइनस टू, बेस सेम तो पावर भी सेम, समघातता का नियम, टू एक्स माइनस वन बराबर 4x माइनस टू माइनस वन प्लस टू, 4x माइनस टू एक्स 2x इज इक्वल टू वन, तो x का वैल्यू वन बाय नहीं
थ्री का पावर टू का पावर टू एक्स माइनस वन, पावर का पावर गुना होगा तो दो दूना चार एक्स माइनस टू, बेस सेम पावर सेम, समघाता का नियम टू एक्स माइनस वन बराबर फोर एक्स माइनस टू, एकरा एन ने तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया वन बाय टू, एक्स का वैल्यू वन बाय टू, नहीं बन गया था चले। हो गया बोलिए सर क्या ख्याल है इसके बारे में, बने है क्या बनाओ कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो आप लोग चला जाए नहीं बनाना। देखो वन का पावर कुछो करोगे तो वन ही आएगा, वन का पावर कुछ भी करोगे तो क्या आएगा वन। अब देखो पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या होगा भाई प्लस, पावर निगेटिव हो तो नीचे में जाके क्या होगा, और ये क्या है थ्री, इसको क्या करेंगे ये उलट जाएगा तो टू बाई क्या हो जाएगा हम बताए ना, इसको उल्टेंगे तो साइन पलट देते हैं। चलो बहुत अच्छे क्या किया पता चला, वन का पावर कुछ करेंगे तो वन ही आएगा, पावर निगेटिव वो नीचे जाके पॉजिटिव, पावर निगेटिव वो नीचे जाके पॉजिटिव, ये थ्री था ना। यहाँ पर क्या होगा टू बाई थ्री ना, चलो इसको उल्टे तो इसका साइन चेंज हो गया, एलसीएम ले तो कितना होगा पंद्रह, पंद्रह ऊपर चल जाएगा पंद्रह, और ये क्या हो जाएगा तीन प्लस दस माइनस दो बटा तेरह, तो पंद्रह बटा तेरह माइनस दो बटा तेरह, तो तेरह बटा तेरह आंसर वन। समझ गया बात, वन तो सही है, पावर निगेटिव नीचे में जाके पॉजिटिव, पावर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, जैसे ही उल्टेंगे तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इसके एलसीएम ले लिए पंद्रह ऊपर चला गया तीन अपान दूना दस तेरह, एलसीएम लिए तो तेरह माइनस तेरह आंसर कट के क्या देगा वन है ना। ठीक है चले हो गया। चले देखो ये वाला बनेगा बताओ जल्दी।
पहले इसका बेसिक हम सिखा देते फिर शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। 2 का पावर x, 3 का पावर y बराबर 6 का पावर माइनस जेड, इसको किसके बराबर मानेंगे भाई, के के मान लिए। अब पहला इक्वेशन लेंगे 2 का पावर x इज इक्वल टू के, तो 2 बराबर क्या होगा k का पावर 1 बाय एक्स। फिर 3 का पावर y बराबर k लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर 1 बाय, और 6 का पावर माइनस जेड बराबर अगर k लेंगे तो 6 बराबर क्या होगा k का पावर 1 बाय माइनस जेड। नहीं, अब बताइए तीसरा वाला क्या था, 6 बराबर k का पावर माइनस 1 बाय 6 को ब्रेक कर सकते क्या 2 इंटू 3 में। देखो इसका पावर ये k माने, ये k माने, ये तो यहाँ जो पावर होता है ये 1 बटा हो जाता है, यहाँ पावर जो है 1 बटा 1 बटा। तो तीसरा वाला हम उठा लिए 6 का बराबर k का पावर, 6 को ब्रेक किए k का पावर माइनस 1 बाय z। 2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, 2 का वैल्यू हमारे पास क्या है k का पावर 1 बाय x। 3 का वैल्यू क्या है बताओ, k का पावर 1 बाय y और k का पावर माइनस 1 बाय z। बेस सेम है तो पावर जुटेगा ना भाई, और बेस सेम तो पावर भी सेम, समघातता का नियम। तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, अरे माइनस एन आएगा तो प्लस आएगा, तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड बराबर 0। समझ में आ गया, लेकिन समय क्या लग गया ज़्यादा। अब देखो इसका शॉर्टकट सिखाते हैं, यहाँ सीखने का प्रयास करना। द्वितीया क्या होता है भाई, 6 कन्फर्म, हम द्वितीया 6 कैसे निकाले, द्वितीया 6। अच्छा 2 का पावर यहाँ पर क्या है बताओ, 1, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, चलिए 1 बाय इसका 2 का, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ पर क्या है x है, इसको क्या करेंगे 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स गुना का मतलब फिर प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा बताओ y इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा माइनस जेड। अब माइनस एन आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, काम खत्म, आंसर 0। नहीं समझे, शॉर्टकट समझिए, 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, द्वितीया 6 तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 6 का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 2 का पावर 1 था, यहाँ x था तो 1 बटा x, 1 बटा y और 1 बटा माइनस जेड, माइनस एन आके प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड। क्लियर, हो गया भाई। हाँ अगर मान लिया जैसे पहले मिटाते हैं तो फिर दिखाएंगे, 2 मिनट रुको। हो गया, थक गया बेचारा, थक गया बहुत दूर से, चलें। मिठाई भाई चल, देखो अगर यहीं पे यहाँ पे
अगर 6 के जगह 72 होता, 6 के जगह क्या होता 72, 72। तो यहां सोचो 72 लाने के लिए क्या करना, 2 का पावर 3 और 3 का पावर, तब ना 72 आता, नहीं समझे? तो यहां क्या करते बताओ, 3 बाय x गुना है तो क्या करते प्लस 2 बाय y, समझ रहे बात? भाई क्या जाता 1 बाय माइनस z, समझ गए बात? अगर यहां 6 के जगह अगर 72 होता तो ऐसे ही बनता, क्लियर? अगर 24 होता तो कैसे बनाते बताओ? अगर 6 के जगह हम 24 लिख देते तो क्या करते बताओ, क्या करते? 2 का पावर 8 तिया 24, बोलो क्या करते? 3 बाय गुण प्लस 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय, समझ में आया बात? क्या करते इसके आधार पे सेट कर लेते, क्लियर? चलो बोलिए सर, अब जो है क्या लिखा हुआ? हाँ, तो जितना पढ़े हो पिछला उसके आधार पे अगर इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जाए क्या बना पाओगे तुम लोग? ट्राई करो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताइए इसके आंसर क्या हो, कोशिश करके देखिए, शायद सिखाए थे। नहीं ना बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स निकालेंगे, रूट अंडर 5 + 2√6 क्या छोड़ते हैं, याद आया? तो किस में तोड़ेंगे बताओ, √3 या रूट, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 3 × 2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दें। चलो आपसे क्या पूछ रहा है, √x + 1/√x, √x का वैल्यू हमारे पास पहले से है, √3 + √2 + 1/√3 + एक बात और सिखाए थे क्या, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में, बस 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 हो गए, और का, और गैपिंग कितने का 1 का, खत्म। √3 √3 क्या है, √3 ऑप्शन नंबर, नहीं समझे? सबसे पहले रूट एक्स निकाले तो 2 छोड़ते हैं, √3 और √2 में टूटा, √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2, 3 × 2 = 5, पॉजिटिव है पॉजिटिव लगा दिए, पॉजिटिव लगा दिए पॉजिटिव लगा दिए, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में, खत्म। √2 √2 खत्म, 2√3 कहीं दिख रहा था, माइनस पूछेगा तो माइनस लगा देंगे, नहीं अगर ये माइनस पूछ देता तो क्या करते बताओ, √3 + √2 माइनस पूछ रहा है, तो नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में, खत्म बात। बोल भाई, −√3 − √2 और नीचे में 1, साइन चेंज क्या होगा भाई, 2√, कौन सा ऑप्शन, क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम प्लस सोच लिए थे लेकिन चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस के अनुसार बनाएंगे, नहीं अगर प्लस भी होता तो बन जाता, कोई बहुत बड़ा बात तो था नहीं, है ना? याद आ रहा है, अगर फेयर किए होगे तो ये सब को याद आ रहा होगा, नहीं किए तो बातें अलग है। क्या है अगला क्वेश्चन के बारे में, क्या ख्याल है, बन जाएगा, बन जाना चाहिए, पढ़ा हुआ, कोशिश करिए, हो गया ये वाला।
मिठा भाई, बताओ इसका क्या आएगा? सोचो, एकदम बउआ वाला। बोलिए सर, रूट अंडर 5/3 है, क्या 3 से गुना और 3 से भाग कर सकते? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 बनाना था, तो रूट अंडर 15/ क्या हो जाएगा? 9। रूट 15 तो बाहर नहीं निकलेगा, और 9 किसका वर्गमूल है? आ एकर वैल्यू देले है कितना, 3.88/3, काटोगे तो 1.29। ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या किए पता चला? 15 को ब्रेक, 15 था ना, 5/3 था, पहले 15 का वैल्यू मेरे पास है तो 15 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुना और 3 से भाग, रूट अंडर 15/9। रूट 15 तो ठीक है, 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। रूट 15 का वैल्यू पुट किए 3.88/3, कैलकुलेट करेंगे 1.29। क्लियर? एकदम आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चले, हो गया। समझ गया ना? बोलिए सर, बना पाइए है क्या? बताइए जल्दी जल्दी। नहीं बनेगा, क्या छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे बताओ? वन बाय रूट अंडर 11 - 2√30 क्या छोड़ दे बताओ? दो छोड़ दें, दो छोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे? रूट सिक्स और रूट, बोल भाई, रूट सिक्स का स्क्वायर 6, रूट फाइव का स्क्वायर 6 5। निगेटिव तो निगेटिव लगा दीजिए, खत्म बात। और नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और गैपिंग कितने का? 1 का। कौन सा ऑप्शन बोल भाई? सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? 2। क्या छोड़ते हैं? 2 छोड़ दीजिए। बचा क्या? रूट सिक्स है रूट फाइव, रूट सिक्स का स्क्वायर 6, रूट फाइव का स्क्वायर 5, 6 5 11। निगेटिव साइन निगेटिव लगा दिए, और नीचे में निगेटिव तो ऊपर में, और गैपिंग कितने का? 1 का। खत्म बात, सिखाए थे ना? क्लियर, सेम बात सिखाए थे। 2 छोड़ेंगे, रूट सिक्स है रूट फाइव में टूटेगा, रूट सिक्स का स्क्वायर 6, रूट फाइव का स्क्वायर 5, 6 5 11। निगेटिव साइन निगेटिव लगा दिए, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आप लोग बना लीजिएगा। नहीं, बोलिए सर, अगला के बारे में क्या ख्याल है, बनेगा? क्वेश्चन देखेंगे तब बताएंगे। इसे पहले से बोलिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, नहीं पहले से लगना चाहिए कि ना हमारा से बन जाएगा, अगला तो बनबे करेगा। लेकिन अतुल, अच्छा देखेंगे तब, देखना को चाहिए, मैथ है बनबे करेगा, नहीं मैथ है ना है, हाँ ये होना चाहिए, वो बन जाएगा। चलो बन गया आंसर, बोलो जल्दी, बन गया तो बन ही जाएगा, बता जल्दी, सोचो थोड़ा सा जल्दी फटाक से। अरे इतना देर, 9 किसका वर्गमूल? 3, इसमें से 3 गया 16, किसका? 4 का। 21 4 25 किसका? 5 का। 41 में से 5 गया 36, 6 का। 10 6 16, 16 किसका? 4 का। नहीं समझे, 9 किसका वर्गमूल? 9 का वर्गमूल 3, 19 में से 3 गया 16 किसका? 4 जूटा 25 किसका? 5 घटा 36 किसका? 10 6 16 किसका? 4 का। खत्म बात, नहीं अगला के बारे में क्या खेले, बनेगा? नहीं बनेगा, बन जाएगा भाई, मैथ है तो मैथ से आसान कुछ है ही नहीं है, सबसे आसान मैथ है होता। अब जीके तुम लोग पढ़ता है, उसका कोई लिमिट है? कोई बताओ तुम, कोई अथाह है, कोई लिमिटे नहीं है।
कुछ पूछ सकता है कभी भी। खड़ा तो लग रहा है तुम जीके पढ़ता है नहीं। गोलघर कौन बनाया था? गोलघर कौन बनाया था? कौन अंग्रेज बनाया था? गांधी सेतु का लंबाई कितना है भाई? 6 किलोमीटर ना, और कम है कि भुला गया जब छोटा छोटा इसे बिहार का इसे नहीं चले। जॉन गस्टिन 1786 चले। जॉन गस्टिन बोल भाई। कंपोनेंट यही थोड़ी ना मतलब अच्छो एक नीचे कौची है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो क्या कर सकते x प्लस वन बटा x माइनस वन कर दे आईने क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस तो ये रूट पूरे के साथ चला जाएगा 3 बटा 1 रूट होने जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर 9 बटा 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो याद आया a प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या करे a बाय यहाँ पर क्या करे c प्लस डी बाय c माइनस डी क्या होगा 10 बटा 8 आंसर 5 बटा 4। बोल भाई कौन सा ऑप्शन याद आया? कंपोनेंडो डिविडेंडो a प्लस बी बटा ए माइनस बी को हम क्या कर सकते a बाय बी और c बाय डी को क्या कर सकते c प्लस डी बटा c माइनस डी। a प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या कर सकते a बाय बी और c बाय डी को क्या कर सकते c प्लस डी बटा c माइनस डी। रूट होने जाएगा क्या होगा स्क्वायर a प्लस बी बटा ए माइनस बी को a बाय बी करें और c बाय डी को c प्लस डी बटा c माइनस डी। x का वैल्यू क्या हो गया 5/4 नहीं तो आज रहने देते हैं। 5 को क्वेश्चन बताए हैं लेकिन देखो पिछला क्लास में जो पढ़ाए हैं एक बार कॉपी पलट के आओगे ना तब आगे बनाने में मजा आएगा। जितना पढ़े हो ना थोड़ा सा कॉपी पलट लेना तब आगे आओगे तो मजा आएगा तब बनेगा। अब जैसे पहले वाला कुछ याद ही नहीं है तो बनने में मुश्किल होगा तो पिछले क्लास में जो चला है उसको एक बार पलट के देख लीजिएगा और तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे है ना। चल आज के लिए काफ़ी है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आगे से। ये सब तो आसान है फिर बनेगा। 105 तक हुआ है हो जाएगा 1 से 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे।